प्यारे बच्चों, कोविड 19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सके, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम इस एपिसोड की शुरुआत में 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे गणित की अध्याय समांतर श्रेणी। हम इस अध्याय का पहला भाग देखेंगे आज, और साथ ही इसके कुछ रोचक प्रश्नों को भी देखेंगे। और फिर हम 10वीं कक्षा की साइंस पढ़ेंगे, जिसका कि हम अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पढ़ेंगे। इस अध्याय का भी आज हम दूसरा भाग देखेंगे और इसके कुछ रोचक प्रश्नों को जानेंगे। साथ ही 12वीं कक्षा के गणित में हम पढ़ेंगे अध्याय सांतत्य तथा अवकलनीयता। इस अध्याय का हम पहला भाग देखेंगे आज, जिस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। साथ ही 12वीं कक्षा के फिजिक्स में हम पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इस अध्याय का आज हम चौथा भाग देखेंगे और इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इस अध्याय को हमने 4 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी की भूमिका तथा समांतर श्रेणियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, अगर आप प्राकृतिक चीजों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करती है, जैसे कि सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियां, मधुकोश में छिद्र, एक भुट्टे पर दाने, एक अनानास इत्यादि। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं हम हमारे दैनिक जीवन में आने वाले प्रतिरूपों की। स्क्रीन पर आपको एक आकृति दिख रही होगी, जिसमें कि कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, 2, 5, 8, 11, 14। अगर आप इन प्रतिरूप को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इनमें कुछ समानता है। वो समानता है कि अगर आप सभी संख्याओं में 3 जोड़ते जाएंगे तो आपको उसकी अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। स्क्रीन पर आपको एक सीढ़ी दिख रही होगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सीढ़ी के डंडों की लंबाइयाँ नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। सबसे नीचे वाला डंडा लंबाई में 45 सेंटीमीटर है। नीचे से पहले, दूसरे, तीसरे और इसी प्रकार से डंडों की लंबाइयां सेंटीमीटर में क्रमशः 45, 47, 41, 39, 37, 35, 37 और 31 है। अर्थात यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि ये जो सीढ़ी है, इसमें आकृति को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो सीढ़ी है इसमें कुल 8 डंडे हैं, और हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीढ़ी के डंडों की लंबाइयाँ नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। तो अगर हमारे सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है तो उसके ऊपर वाला डंडा होगा हमारा 47 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर वाला डंडा होगा हमारा 41 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर वाला डंडा होगा हमारा 39 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर वाला डंडा होगा हमारा 37 सेंटीमीटर का। और इसी प्रकार से जब आप कुल 8 डंडों की लंबाइयां ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 35 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर और 31 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी अगर आप
इन संख्याओं की सूची को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर आप इन संख्याओं में से 2-2 सेंटीमीटर घटाएंगे तो आपको अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इन सभी उदाहरण को देखने के बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है कुछ प्रतिरूप। इन प्रतिरूपों में हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पद में एक स्थिर संख्या जोड़ने से प्राप्त होते हैं, कुछ में ये पद अपने से पहले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करके होते हैं तथा कुछ अन्य में हम देखते हैं कि ये क्रमागत संख्याओं के वर्ग है इत्यादि। तो दोस्तों, जैसे कि उदाहरण को देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हम जो सूची प्राप्त कर रहे हैं उस सूची में या तो हम एक स्थिर संख्या को जोड़ने के बाद अगली संख्या को प्राप्त कर रहे हैं या फिर उन संख्याओं में से कुछ संख्या को घटाकर अगली संख्या प्राप्त कर रहे हैं या फिर उन पदों में कुछ निश्चित संख्या से गुणा करके अगली संख्या को प्राप्त कर रहे हैं और किसी में हम यह देखते हैं कि ये संख्याएं क्रमागत संख्याओं के वर्ग हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम इनमें से एक प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे जिसमें उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त किए जाते हैं। हम यह भी देखेंगे कि इनके nवें पद और n क्रमागत पदों के योग किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं तथा इस ज्ञात का प्रयोग कुछ दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं समांतर श्रेणियां की ओर। चलिए उदाहरण से इसे समझते हैं। सबसे पहला हमने उदाहरण लिया है एक सूची का जिसमें है 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार से। इस सूची में जो प्रत्येक संख्या है वो पद कहलाती है अर्थात टर्म कहलाती है। स्क्रीन पर आप जो सूची देख रहे हैं इस सूची में प्रत्येक पद अपने पहले पद से एक अधिक है, यानी कि एक में अगर आप एक जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2, उसी तरह 2 में जब आप एक जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3, उसी तरह 3 में जब आप एक जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4 और इसी प्रकार से अन्य संख्याएं भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लेते हैं एक दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है हमारा 100, 70, 40, 10 की सूची जिसमें अगर आप 100 में से 30 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 70। उसी प्रकार से जब आप 70 में से 30 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 40। उसी प्रकार से जब आप 40 में से 30 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 10। यानी कि इस सूची में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 30 कम है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है, चलिए उनको देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा -3, -2, -1, 0 और इसी प्रकार से। यहाँ पर ये जो सूची है इसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक जोड़ने से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमारे जो अगली उदाहरण है वो है 3, 3, 3, 3 और इसी प्रकार से। यहाँ पर सभी पद में 3 है अर्थात प्रत्येक पद अपने पिछले पद में 0 जोड़कर प्राप्त हो रहा है। हमारे अगले उदाहरण है -1.0, -1.5, -2.0, -2.5 और इसी प्रकार से। इस सूची में प्रत्येक पद अपने पिछले पद में -0.5 जोड़कर प्राप्त हो रहा है। इन सूचियों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? इन सूचियों में से प्रत्येक में हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर पदों को इनसे पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। संख्याओं की ऐसी सूची को यह कहा जाता है कि वे एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं, यानी कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रत्येक पद से अर्थ है पहले पद के अतिरिक्त। तो ये थी परिभाषा समांतर श्रेणी की, जिसे इंग्लिश में AP भी कहा जाता है। AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा जो सूची है 2, 5, 8, 11, 14 और इसी प्रकार से, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5,
उसी प्रकार से जब हम 5 में 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8। उसी प्रकार से जब हम 8 में 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11। उसी प्रकार से जब हम 11 में 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 14। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या है 3, जिसे जोड़ने पर हमें प्रत्येक पद के पहले पद के अतिरिक्त संख्या प्राप्त होती है, और यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस कहलाती है। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि एपी के जो पद होते हैं उन्हें हम किस नाम से प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको एक सूची दिख रही होगी जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी प्रकार से 20 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। यहाँ पर जो हमारा पहला पद है वो है 1। 1 को हम कहते हैं A1। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा पद है यहाँ पर वो है 2, जिसे हम कहते हैं A2। इसी प्रकार से तीसरा पद जो है हमारा वो कहलाता है A3। उसी प्रकार से 20 हमारा 20वां पद होगा, तो दूसरे पद को हम प्रयोग करते हैं A20 लिखकर। और इसी प्रकार से हमारा जो nवां पद होगा उसे हम प्रयोग करते हैं An लिखकर। एपी के सार्व अंतर को हम D से व्यक्त करते हैं, यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम व्यक्त करते हैं D से। तो इस प्रकार से हमारा जो एपी हो जाता है वो होता है A1, A2, A3, इसी प्रकार से n तक में An हो जाता है। और यहाँ से जो हमें सार्व अंतर प्राप्त होता है वो हो जाएगा A2 - A1, जो कि बराबर होगा A3 - A2 के, जो कि बराबर होगा A4 - A3 के, और इसी प्रकार से बराबर होगा An - An - 1 के, जो कि बराबर होता है हमारे सार्व अंतर के अर्थात डी के। इन सब को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो संख्याओं की सूची होती है उसमें हम लिख सकते हैं हमारे संख्याओं को A, AU D, AU 2D, AU 3D और इसी प्रकार से बढ़ते हुए। यहाँ पर हमारा जो पहला पद है वो है A। इसी प्रकार से हमें दूसरा पद प्राप्त होगा जब हम A में हमारे सार्व अंतर को जोड़ देंगे तो। इसी प्रकार से तीसरा पद हमें तब प्राप्त होगा जब हम A में 2×7 अंतर को जोड़ देंगे, और इसी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि A, AU D, AU 2D, AU 3D और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए यह एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है, जहाँ A पहला पद है और D सार्व अंतर है। इसे हम एपी का व्यापक रूप अर्थात जनरल फॉर्म कहते हैं। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी समांतर श्रेणी से। तो दोस्तों, अब आप समांतर श्रेणियों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो यहाँ पर अब आपके लिए एक प्रश्न आ रहा है, जो कि है कि समांतर श्रेणियां और श्रेणी के बीच में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक आधारभूत अंतर है, जो कि है कि हम श्रेणियों के nth टर्म अर्थात nth पद को ज्ञात करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला अर्थात विशिष्ट सूत्र का प्रयोग करते हैं, परंतु श्रेणी को ज्ञात करने के लिए हम लॉजिकल रूल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये है अंतर समांतर श्रेणियां और श्रेणी के बीच में। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा समांतर श्रेणी की भूमिका तथा समांतर श्रेणियां। हम हमारे अगली वीडियो में सीखेंगे एपी का nवां पद। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे, तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे दृष्टि दोष के बारे में कि आखिर ये कितनी तरह की होती हैं और इन्हें कैसे ठीक किया जाता है, और हम ये भी जानेंगे कि हमें कैसे पता लगाना है कि कितनी क्षमता का लेंस इस्तेमाल होगा। अब इसे जानने के लिए आपको कुल 5 चीजों के बारे में जानना है। पहला तो है बिंब कि आखिर जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी हुई है। दूसरा हमें जानना है प्रतिबिंब के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि एक बिंब का लेंस प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा हमें जानना है दृष्टि पटल के बारे में, यानी कि वो जगह है जहां पर प्रतिबिंब को बनना है। और चौथी चीज जो हमें जाननी है वो है पक्षमाभिपेशियां, और पांचवा चीज तो है हमारा लेंस। ठीक है, तो इन 5 चीजों के बारे में ही हम बात करेंगे आज की पूरी वीडियो में। शुरुआत करते हैं समझते हुए कि आखिर जो हमारा लेंस है वो चीजों को दृष्टि पटल पे कैसे बनाता है, यानी कि जितने भी बिंब होते हैं वो सारे दृष्टि पटल पर ही अपना प्रतिबिंब कैसे बना पाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे दृष्टि पटल से। तो ये हमारा दृष्टि पटल है, और इसके आगे क्या लगा होगा, हमारी आंखों का लेंस। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं पक्षमाभिपेशियां। लेंस के दोनों ओर पक्षमाभिपेशियां होती हैं, और यहाँ पर ये हमारी लाइन बन गई मुख्य अक्ष। और मान लीजिए कि कोई वस्तु रखी हुई है और ये दूर पे रखी हुई है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि अभी क्या है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दृष्टि पटल से थोड़ा आगे बन रहा है। अब हमें ये बात पता है कि यहाँ पर जो फोकस दूरी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जो बिंब की प्रतिबिंब बने वो दृष्टि पटल पर बने। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो पक्षमाभिपेशियां हैं वो पीछे की तरफ खिंच जाएंगी। पेशियों के पीछे खिंचने से क्या होगा कि जो हमारा लेंस है वो पतला हो जाएगा और उससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारा लेंस बन जाएगा, और अब क्या होगा कि दूर की जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो वापस से दृष्टि पटल पर बनने लगेगा। अब मान लीजिए कि हम किसी दूर की वस्तु को देख रहे थे, और देखते देखते अचानक से हमने किसी पास की वस्तु को देखना शुरू कर दिया, तो अभी क्या है, जो हमारा लेंस है वो तो अभी भी पतला है, परंतु अब हम किसी निकट की वस्तु को देख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब दृष्टि पटल से पीछे बन रहा होगा, क्योंकि फोकस दूरी बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, जो हमारे पक्षमाभिपेशियां हैं वो वापस से शिथिल हो जाएंगे, जिससे हमारा लेंस मोटा हो जाएगा और उसकी फोकस दूरी घट जाएगी, और उससे क्या होगा कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वापस से दृष्टि पटल पर बनने लगेगा। परंतु जो हमारा लेंस है वो एक हद तक ही मोटा हो सकता है, और इसलिए हम सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक के पास की वस्तु को देख सकते हैं। इससे ज्यादा पास में अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो वो हमें धुंधली दिखेगी, या फिर हमारी आंखों में उसे देखने पर दर्द होगा। तो ये जो चीज है इसे कहा जाता है समंजन क्षमता, और समंजन क्षमता के कारण ही हम दूर की, पास की और हर जगह की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख पाते हैं। अब जब समंजन क्षमता में कोई दिक्कत आ जाती है, कई बार क्या होता है कि उम्र के कारण या फिर किसी और वजह से जो हमारा पक्षमाभिपेशियां हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, और इस वजह से हमारी समंजन क्षमता खराब हो जाती है। या फिर कई बार क्या होता है कि हमारी आंखों का आकार ही बड़ा या छोटा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा दृष्टि पटल है वो आगे या फिर पीछे चला जाता है, और उससे क्या होता है कि पक्षमाभिपेशियां अभी भी पुराने वाले दृष्टि पटल पर जो इमेज है या प्रतिबिंब है उसे बनाने की कोशिश कर रही है, परंतु जो दृष्टि पटल है वो आगे या पीछे हो चुका है, और इस वजह से फिर से जो प्रतिबिंब होता है वो धुंधला बनता है, और यही दिक्कत है जिसकी वजह से हम चीजों को ढंग से नहीं देख पाते। अब चलिए जानते हैं कि चीजों को ठीक कैसे किया जाता है। ये तो हम जानते ही हैं कि उनके आगे एक उचित क्षमता का लेंस लगाया जाता है, परंतु हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेंस लगाना है और कितनी क्षमता का लगाना है। इसके लिए आइए एक सवाल करते हैं। तो सवाल है कि एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर की दूरी से परे की वस्तुओं को नहीं देख सकता, दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए कितनी शक्ति के लेंस का उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो व्यक्ति है वो 30 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, तो क्या आपको पता चल गया कि दोष कौन सा है।
अगर आपका उत्तर है निकट दृष्टि दोष तो आप सही हैं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हमें पास की चीजें दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारी जो आंखें हैं वो 30 सेंटीमीटर तक की चीजों को देख सकती हैं। अब हमें पता है कि उसके आगे एक लेंस लगाना है। यहाँ पर एक स्क्वायर डब्बा बनाया गया है, क्योंकि मान लीजिए हमें नहीं पता कौन सा लेंस लगाना है और ना हमें ये पता कि कितनी क्षमता का लगाना है। अभी हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लेंस लगेगा और इसकी क्षमता कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं मुख्य अक्ष। अब हमें ये पता है कि ये आंख जो है वो 30 सेंटीमीटर तक तो चीज़ों को देख सकती है, परंतु अगर उसके बाद कोई चीज़ रखी है तो उसे नहीं देख सकती। और हम चाहते हैं कि जो ये आंख है वो अनंत पर रखी हुई चीज़ को भी देख पाए। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई बिंब अनंत पर रखा हुआ है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? जैसा हमने प्रकाश वाले अध्याय में पढ़ा था, जो बिंब होता है उसकी दूरी को यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर यू कितना हो जाएगा? अनंत। अब हम क्या चाहते हैं, हमने जो ये लेंस लगाया है, हम चाहते हैं कि ये लेंस जो अनंत पर रखी चीज है उसको 30 सेंटीमीटर पर बना दे, क्योंकि हमारी आंख 30 सेंटीमीटर की चीज को तो देख ही सकती है। तो अगर अनंत पर रखी चीज की इमेज को 30 सेंटीमीटर पर बनाया जाएगा तो हमारी आंखें उस इमेज को देख सकती हैं और फिर हमें चीजें जो अनंत पर रखी हैं वो भी दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ पर जो हमारा V यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें यानी कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों ही लेंस के पीछे की तरफ बना हुआ है, तो इसलिए दोनों की वैल्यू माइनस में आएगी। तो U हो जाएगा हमारा माइनस अनंत या फिर माइनस इन्फिनिटी, और जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी होगी वो हो जाएगी माइनस 30 सेंटीमीटर। अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी लेंस सूत्र, जो था 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ पर आपको v तो पता है और आपको u भी पता है, तो इससे आपको f भी पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लेंस सूत्र लगाइए और जल्दी से निकालिए कि f कितना होगा, और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो आपने उत्तर निकाल लिया होगा, चलिए देखते हैं कि आपका उत्तर सही है या फिर नहीं। यहाँ पर b हो जाएगा -30 और इन्फिनिटी को 1/∞ तो 0 ही लेते हैं, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारा 1/f आ जाएगा 1/-30 और इससे हमारा f आ जाएगा -30। तो अगर आपका उत्तर यही आया है तो आप जल्दी से पता करिए कि इसकी क्षमता कितनी होगी। आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता होती है 1/f। अब आपको f दिया हुआ है -30, यानी कि लेंस की क्षमता हो जाएगी 1/-30। तो क्या आप लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं? जरा कोशिश कीजिए। अगर आपने यहां पर 1 को 30 से डिवाइड किया है तो आपका उत्तर गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता के लिए जो फोकस दूरी है वो मीटर में होनी चाहिए, परंतु यहां पर f हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है और इसलिए हमें इसे पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। अब क्योंकि 1/-30 है और हमें 30 को 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम सीधा 100 से गुना कर देंगे तो भी ये वैल्यू मीटर में बदल जाएगी, और इससे जो हमारा लेंस की क्षमता होगा वो आ जाएगा -3.33 डायोप्टर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्षमता तो हमें पता चल गई और साथ में आगे एक माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एक अवतल लेंस का इस्तेमाल होगा जिसकी पावर 3.33 डायोप्टर होनी चाहिए, और उसके बाद जो इस आंख का दोष है उसे ठीक किया जा सकता है। चलिए अच्छे से समझने के लिए एक और सवाल करते हैं। सवाल है कि एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर की दूरी से पहले वस्तुओं को नहीं देख सकता, दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए कितनी शक्ति के लेंस का उपयोग करना चाहिए? अब ये सवाल तो पहले जैसा ही दिख रहा है, परंतु यहाँ पर बस एक चीज बदली है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले, यानी कि जो व्यक्ति है अब वो 30 सेंटीमीटर तक की चीजों को नहीं देख सकता, परंतु अनंत तक की चीजें उसके बाद उसे दिख रही हैं, यानी कि 30 सेंटीमीटर से बाद की चीजें दिख रही हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको दोष तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष है, क्योंकि उसे दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही। अब मान लीजिए ये आंख है और इसके आगे एक लेंस लगाएंगे तो ये जो दिक्कत है वो सही हो जाएगी। अब लेंस कैसा लगाना है वो पता करना है हमें। यहाँ पर हमने मुख्य अक्ष बनाया और हम जानते हैं कि इस व्यक्ति को 30 सेंटीमीटर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या चाहेंगे? एक तो बात है कि हमें 25 सेंटीमीटर से पहले का वैसे भी नहीं दिखता, तो हम चाहेंगे कि अगर 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी हुई है
तो ये लेंस क्या करें, उसकी इमेज को 30 सेंटीमीटर पे बना दे। उससे क्या होगा, 30 सेंटीमीटर के बाद की चीजों को तो हम देख ही सकते हैं, तो हम 30 सेंटीमीटर पर अगर इमेज बनेगी तो उसे भी देख पाएंगे। तो यू हमारा हो जाएगा माइनस का 25 और वी हो जाएगा माइनस का 30, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों ही चीजें लेंस के पीछे की तरफ रखी हुई हैं। अब यहाँ पर फिर से आपको लगाना है लेंस सूत्र, लगाइए और उत्तर निकालिए। तो आपने उत्तर निकाल लिया होगा, यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 1.5 मीटर। अब आपको फोकस दूरी तो नहीं चाहिए थी, आपको चाहिए था लेंस की क्षमता, तो हम यहाँ पर लेंस की क्षमता निकालेंगे। लेंस की क्षमता होती है 1/f, तो उत्तर आ जाएगा 1/1.5 मीटर, जिसको हम आगे फ्रैक्शन में निकाले तो उत्तर आ जाएगा 6.68 डायोप्टर। यहाँ पर आप देखेंगे कि लेंस की क्षमता पॉजिटिव आई है, यानी कि जो हमने लेंस इस्तेमाल किया होगा वो उत्तर लेंस होगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने जाना दृष्टि दोष के बारे में। अब आपको इसके बारे में घर से पढ़ के आना है, जिससे आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाए। आपको पढ़ना है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के अंदर दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। अगली वीडियो में हम कुछ चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप इनके बारे में भी पढ़कर आइएगा। अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज पढ़ के आनी है, जो है एक प्रिज्म से अपवर्तन किस तरह से होता है। अब प्रकाश वाले अध्याय में आपने ग्लास स्लैब से अपवर्तन पढ़ा था, प्रिज्म से अपवर्तन भी कुछ उसी तरह का है, तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी। तो अगली क्लास में आप वो पढ़कर आइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्विज 2। पहला प्रश्न, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए पक्षमाभी पेशिया लेंस की फोकस दूरी को डैश ए शून्य कर देती है, ऑप्शन बी घटाती है, ऑप्शन सी बढ़ाती है, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, एक सामान्य वयस्क कितने निकट की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 0 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को डैश वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर से पहले की, ऑप्शन बी पास की, ऑप्शन सी दूर की, ऑप्शन डी पास एवं दूर दोनों की। चौथा प्रश्न, दीर्घ दृष्टि दोष को डैश लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तर लेंस, ऑप्शन सी दोनों लेंस, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न, एक लेंस की क्षमता -0.5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है, ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तर लेंस, ऑप्शन सी दोनों एंड ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। सही उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर है बी, दूसरे का डी, तीसरे का सी, चौथे का बी और पांचवें प्रश्न का उत्तर है ए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी गणित की पुस्तक का पाठ 5, जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। अब यदि इसी पाठ के नाम को आप अंग्रेजी में जानना चाहें तो वह कहलाता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए इस पाठ के पहले भाग में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भूमिका यानी इंट्रोडक्शन और सांतत्य यानी कॉन्टिन्यूटी। तो शुरू करते हैं पहले विषय के साथ। भूमिका में हम जानेंगे कि इस पाठ में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला विषय होगा सांतत्य। इसमें हम जानेंगे कि सांतत्य होता क्या है, या फिर यदि हम किसी फलन को कहते हैं कि वह सांतत्य है तो ऐसा कब होता है। फिर हम देखेंगे अवकलनीयता,
यानी किसी भी फलन की अवकलनीयता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। और आखिर में हम जानेंगे कि सांतत्य तथा अवकलनीयता आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि सांतत्य तथा अवकलनीयता में संबंध। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सांतत्य का अर्थ जानते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। आपके सामने एक फलन कुछ विचित्र प्रकार से परिभाषित है, लेकिन ऐसा फलन आपने कक्षा 11वीं में भी देखा होगा। कक्षा 11वीं में एक पाठ था आपका, पाठ 13, सीमा एवं अवकलन। उसमें आपने इस प्रकार के फलनों की चर्चा करी होगी। ये फलन आप पढ़ते कैसे हैं? ये फलन इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि f of x का मान 1 होगा यदि x का मान या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा, और दूसरी स्थिति ये होगी कि f of x बराबर होगा 2 जब x का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा। आइए एक आलेख देखते हैं। ये आलेख जो है, ये आपके सामने जो फलन दिया गया है इसी का आलेख है। x का मान जब 0 होगा तो वो बिंदु कहाँ रहता है? वो बिंदु रहेगा y अक्ष पर, और जब x का मान 0 से छोटा है तो x के ऋणात्मक दिशा की ओर देखा जाएगा। अब इस बिंदु को निर्देशांक दिए गए हैं 0,1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब x का मान 0 या 0 से छोटा है तब f of x यानी जो y है उसका मान 1 है। अब यदि मैं दूसरी स्थिति को देखूं, x का मान जब 0 से बड़ा है यानी ये जो है वो धनात्मक दिशा में है, x के सभी धनात्मक मानों की चर्चा की गई है, तब उसको आप इस बिंदु से दर्शाएंगे जिसके निर्देशांक है 0,2। यानी जब x का मान 0 से बड़ा है तो f of x का मान 2 है। अब f of x का मान जो है वो x के मान के हिसाब से बदल रहा है, तो इस कारण आप ये कह सकते हैं कि यह जो फलन है वह सांतत्य नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे f of x का मान 1 है जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और f of x का मान 2 है जब x का मान 0 के बराबर है। तो इसका जो आप यहाँ पे आलेख देख रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए जैसे हमने पिछला आलेख समझा था। x का मान जब 0 के बराबर नहीं है तब y बराबर 1 एक रेखा खींच दी गई है, और x का मान जब 0 है यानी y अक्ष पर, वहां पर f of x का मान 2 है, तो निर्देशांक लिख दिए गए हैं 0,2। ये फलन जो है वह भी सांतत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सांतत्य की परिभाषा देखते हैं। मान लीजिए कि f वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, और मान लीजिए कि f के प्रांत में c एक बिंदु है, तब f बिंदु c पर संतत है यदि लिमिट x टेंडिंग टू c f of x is equal to f of c। आइए आप आगे बढ़ते हैं और कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। पहला तथ्य है, एक फलन x बराबर c पर संतत है यदि फलन x बराबर c पर परिभाषित है, और यदि x बराबर c पर फलन का मान x बराबर c पर फलन की सीमा के बराबर है। अगला तथ्य है, यदि x बराबर c पर फलन संतत नहीं है तो हम कहते हैं कि c पर f असंतत यानी डिसकंटीन्यूअस है, तथा c को एक असांतत्य का बिंदु यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। आप इन तथ्यों से समझे क्या? पहले तथ्य में कहा गया फलन x बराबर c पर संतत होगा यदि फलन का मान और फलन की सीमा उस बिंदु पर आपस में बराबर हो जाती है, और जब फलन संतत नहीं होता तब हम कहते हैं कि फलन असंतत है, और जिस बिंदु पर हमने जांचा होता है कि फलन संतत है या नहीं उस बिंदु को असांतत्य का बिंदु कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है
x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x जमा 3 के सांतत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर आप इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है, तो f of 1 बराबर हो जाएगा 2 गुना x की जगह पर 1 रख दीजिए जमा 3, यानी 2 गुना 1 जमा 3 जो कि आ जाता है 5। अब हमने देख लिया कि x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है और मान भी ज्ञात कर लिया x बराबर 1 पर। अब हम x बराबर 1 पर फलन की सीमा ज्ञात करते हैं। तो हम सीमा कैसे ज्ञात करेंगे? सीमा दो प्रकार की होती है, पहली बाएं हाथ की सीमा और दूसरी दाएं हाथ की सीमा। और जब इन दोनों सीमाओं का मान बराबर होता है तब हम कहते हैं कि इस फलन की सीमा जो है वह परिणाम में आने वाला अंक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले निकालते हैं दाएं हाथ की सीमा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। तो ये जो a प्लस है आप यहाँ पर अपना बिंदु रखेंगे जिस बिंदु पर आपको ज्ञात करना है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 टू x प्लस 3। अब 3 तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 के साथ वहां पर x है नहीं, x का मान ही तो 1 की तरफ बढ़ रहा है। अब यदि अगर x का मान 1 की तरफ बढ़ रहा है तो उससे 3 पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो हम 2 के साथ 1 को गुना कर देंगे और उसमें 3 वैसे का वैसा जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 5। अब x बराबर 1 पर जब फलन परिभाषित था तो f of 1 भी 5 आ रहा था और दाएं हाथ की सीमा जो है वो भी 5 आ गई। अब यदि बाएं हाथ की सीमा भी 5 आ जाए तो हम कह देंगे कि x बराबर 1 पर फलन सांतत्य है। देखते हैं बाएं हाथ की सीमा, बाएं हाथ की सीमा होती है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f of x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 टू x प्लस 3 कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी 2 गुना 1 जमा 3 जो कि हो गया 5। अब x बराबर 1 पर फलन का मान और फलन की सीमा दोनों ही 5 आ गए, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो फलन की सीमा है वो फलन के मान के बराबर हो गई और x बराबर 1 पर हमारा जो फलन f है वह संतत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है x बराबर 0 पर फलन f of x बराबर mod of x के सांतत्य पर हमें विचार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फलन को परिभाषित करेंगे। क्यों? क्योंकि जब mod के अंदर कोई संख्या लिखी जाती है तो उसमें दो तरीके की स्थितियां आती है, या तो जो फलन है उसका मान 0 से छोटा होगा या फिर फलन का मान 0 से बड़ा होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि 0 ही एक ऐसा संख्या है या एक ऐसा बिंदु है जो ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं इन दोनों को अलग करता है। अब f of x परिभाषित है कुछ इस प्रकार कि f of x का मान हो जाएगा माइनस x जब x का मान 0 से छोटा होगा और x हो जाएगा जब x का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। यानी x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है। अब हम इसकी सीमा ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी फलन सांतत्य है या संतत है ये जानने के लिए हमें क्या करना होता है, फलन की जो सीमा है उस बिंदु पर और फलन का जो मान है उस बिंदु पर उनको आपस में बराबर करना होता है। तो f के बाएं पक्ष की सीमा जो होगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x वो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस ऑफ x। क्यों? क्योंकि जब 0 से छोटा है x तो उसका मान माइनस x है, तो ये हो गया 0। और f के दाएं पक्ष की जब हमने सीमा देखी तो वो हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। अब x का मान जब 0 से बड़ा है उसके लिए फलन जो है वो x ही था, तो हमने फलन का मान वैसे का वैसा लिख दिया, ये भी 0 हो गया। तो x बराबर 0 पर फलन का मान और फलन की सीमा दोनों ही आपस में बराबर हो जाती है, बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान 0 पे सब आपस में बराबर हो गए। आप इसको सिद्धांतों में इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। अतः
हम ये कह सकते हैं कि x बराबर शून्य पर f संतत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला विषय देखते हैं। अगले विषय में एक परिभाषा दी गई है और कहा गया है, एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। यानी f एक ऐसा फलन है जो संवृत्त अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। संवृत्त अंतराल एक ऐसा अंतराल होता है जिसमें अंतराल में दिए गए दोनों बिंदु और उनके बीच के सभी बिंदु जो हैं वो आते हैं। तो यदि फलन जो है वो एक संवृत्त अंतराल में परिभाषित है तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a और लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ b। यानी जो अंतराल में शुरू करने वाली संख्या होगी उसके दाएं ओर की सीमा ले लीजिए और जहां पर अंतराल समाप्त हो रहा है वहां के बाएं ओर की सीमा ले लीजिए। उसका मान जो है वो उनके क्रमशः बिंदुओं पर होना चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आज हमने सीखा भूमिका यानी इंट्रोडक्शन और सांतत्य यानी कॉन्टिन्यूटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे संतत फलनों का बीजगणित यानी एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। घर जाइए, जितना भी पाठ आपको आज पढ़ाया गया है उसको एक बार ही फिर से देखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का चौथा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे अपवर्तन के नियमों को, जिसके बाद अपवर्तन को और गहराई से समझने के लिए हम किसी कांच के टुकड़े द्वारा होने वाले अपवर्तन को समझेंगे और अंत में प्रकाश की इस परिघटना का अपने दैनिक जीवन में उपयोग जानेंगे, जल में किसी वस्तु की वास्तविक गहराई का पता लगाकर। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले विषय अपवर्तन के नियम के साथ। दोस्तों, क्या आप सभी ने किसी पानी से भरे पारदर्शी गिलास में किसी पेंसिल, पेन या लकड़ी को डालकर देखा है? ऐसा करने पर हमें ये वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है? अगर आपने ऐसा कभी किया है तो आप कहेंगे कि ऐसा करने पर हमें पेंसिल कुछ टेढ़ी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त क्या आपने कभी जल से भरे बर्तन में पड़ी किसी वस्तु को देखा है? हमें ये वस्तु उतनी गहराई पर नहीं लगती जितनी कि ये वास्तव में होती है। आप सभी ने नहाते समय बाल्टी के निचले तल को तो देखा ही होगा, क्या ये कुछ ऊपर की ओर नहीं दिखाई देता है? दोस्तों, इन सभी घटनाओं के होने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे सरल भाषा में कुछ ऐसे परिभाषित किया जा सकता है, जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह झुक जाती है। जैसे कि जब पेंसिल को पानी से भरे गिलास में डाला जाता है तो उससे परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के कारण मुड़ जाती हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो पेंसिल ही मुड़ गई हो। दोस्तों, प्रकाश की इसी परिघटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, परावर्तन की ही भांति अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में स्थित होते हैं।
इसके अतिरिक्त दूसरा नियम कहता है कि किसी दिए गए रंग के प्रकाश के लिए और माध्यमों की दी गई जोड़ी के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या यानी अपवर्तन कोण का साइन, इनका अनुपात एक स्थिर राशि होता है। दोस्तों, इस नियम को स्नेल के अपवर्तन के नियम के रूप में भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे n से लिखा जाता है और ये स्थिरांक कहलाता है अपवर्तनांक, जो किन्हीं दो माध्यमों की दी गई जोड़ी पर निर्भर करता है। आइए अब अपवर्तन की परिघटना को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए हम समझते हैं किसी कांच के टुकड़े से होने वाले अपवर्तन को। इसके लिए हम यहाँ पर एक कांच का टुकड़ा यानी कि स्लैब लेते हैं। अब दोस्तों, अगर आप इसके किसी एक पृष्ठ से इसमें किसी प्रकाश की किरण का गमन करते हैं तो इस प्रकाश की किरण का पथ हमें कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये किरण कुल तीन अलग अलग पथ यानी कि स्रोत से कांच तक वायु में, फिर कांच के अंदर और अंत में फिर से कांच से निकलने के पश्चात वायु माध्यम में है। तो आइए देखते हैं इन तीन पथों से जुड़ी कुछ राशियों को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ हमारे पास दो माध्यम हैं, वायु और कांच। तो हम मान लेते हैं कि प्रकाश की एक किरण ऊपर की ओर से वायु यानी कि विरल माध्यम से कांच अर्थात सघन माध्यम में प्रवेश करती है। अब दोस्तों, इस किरण को कांच में भी समान पथ में गमन करना चाहिए, किंतु ये ऐसा करती नहीं है। आइए उस बिंदु पर जहां प्रकाश किरण कांच से टकराती है वहां पर एक अभिलंब बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये प्रकाश किरण कांच में प्रवेश के साथ ही अपने मूल पथ से भटक जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यही किरण आगे जाकर फिर से कांच में से वायु में प्रवेश करती है, यानी कि अब ये किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो ऐसे में अब ये किरण पहले के विपरीत अभिलंब से दूर चली जाती है। दोस्तों, परावर्तन की ही तरह यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहा जाता है आपतन कोण, जिसे I से दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण और जिसे R से दर्शाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जब किरण कांच की दूसरी सतह से बाहर आती है तो यहाँ भी ये अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसे कहा जाता है उद्भव कोण और जिसे E से दर्शाया जाता है। दोस्तों, आपतन कोण और उद्भव कोण अक्सर बराबर होते हैं और आपतित किरण तथा निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर आती हैं। तो दोस्तों, स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण I की ज्या यानी साइन और अपवर्तित कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात एक स्थिरांक n होगा, जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाता है। आइए अब समझते हैं अपवर्तन के कारण जल में किसी वस्तु की सही गहराई का पता क्यों नहीं चल पाता और इस वस्तु की सही गहराई आखिर कितनी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख भी सकते हैं कि प्रकाश की वे किरण जो पानी के अंदर किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है, तो जैसे ही ये किरणें जल से निर्गत होती हैं तो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने के कारण ये अभिलंब से दूर चली जाती हैं। और क्योंकि हमें प्रकाश सीधा आता प्रतीत होता है, इसीलिए ये वस्तु की गहराई हमें कुछ स्पष्ट गहराई से कम लगती है। आइए अब देखते हैं
कि ये स्पष्ट गहराई का पता कैसे चलता है। इसके लिए हम जल से निर्गत होती प्रकाश की किरण पर एक अभिलंब एम एन बना लेते हैं, जो इस किरण को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करता है। अब दोस्तों, क्योंकि ये किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, इसलिए यहाँ पर अपवर्तन कोण आर कुछ ऐसा होगा, जबकि आपतन कोण आई जल के अंदर कुछ इस तरह से होगा। इसके अतिरिक्त इस वस्तु पर लंबवत पड़ने वाला प्रकाश उसी दिशा में लौट जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये वस्तु लंबवत आने वाली किरण के बिंदु ओ पर स्थित है, जबकि इसकी गहराई हमें बिंदु आई पर प्रतीत होती है। तो ऐसे में यदि हम देखें तो कोण आई ओ बी भी आपतन कोण आई के जैसे ही होगा, जबकि कोण ए आई बी आर के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ही संगत कोण हैं। अब जैसा कि हम स्नेल के नियम से जानते हैं कि वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखा जा सकता है बी म्यू ए बराबर साइन आई बटे साइन आर, जबकि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक इस राशि का व्युत्क्रम होगा, यानी कि ए म्यू बी बराबर होगा एक बटे बी म्यू ए के। अर्थात इसे लिख सकते हैं ए म्यू बी बराबर साइन आर बटे साइन आई। दोस्तों, अब यदि हम त्रिभुज ओ ए बी में देखें तो यहाँ से साइन आई का मान आता है ए बी बटे ओ बी, जबकि त्रिभुज आई ए बी से साइन आर का मान आएगा ए बी बटे आई बी। तो दोस्तों, साइन आई और साइन आर का मान ऊपर वाले समीकरण में रखने पर ए म्यू बी इसका मान आता है ए बी बटे आई बी बटे ए बी बटे ओ बी। यह इसे हल करके लिख सकते हैं ओ बी बटे आई बी। अब दोस्तों, क्योंकि हमारी आंख का छिद्र बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें ये दोनों ही बिंदु यानी कि बी तथा ए एक दूसरे के बहुत पास ही दिखाई देते हैं, या लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इसलिए हम ओ बी को लगभग ओ ए के बराबर मान लेते हैं, जो कि वस्तु की वास्तविक गहराई भी है। और ठीक इसी प्रकार आई बी लगभग आई ए के बराबर होता है, जो कि वस्तु की आभासी गहराई है। तो अब हम ओ बी तथा आई बी का मान जल के अपवर्तनांक वाले सूत्र में रखें तो वो आता है ए म्यू बी बराबर ओ बी बटे आई बी, जो बराबर होगा ओ ए बटे आई ए, यानी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई के। आइए अब बात करते हैं लंबवत विस्थापन की, जिसे इस चित्र में डी से दर्शाया गया है। दोस्तों, ये वो दूरी है जो किसी वस्तु की वास्तविक गहराई और उसकी आभासी गहराई के बीच होती है। इसीलिए इसे लिख सकते हैं डी बराबर ओ ए घटा आई ए, या फिर यहाँ से ओ ए को कॉमन लेने पर आता है ओ ए ब्रैकेट एक घटा आई ए बटे ओ ए, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ओ ए ब्रैकेट एक घटा एक बटे ओ ए बटे आई ए। और ओ ए जिसे यहाँ पर टी लिखा गया है वो वस्तु की वास्तविक गहराई, और ओ ए बटे आई ए जल के अपवर्तनांक ए म्यू बी को दर्शाता है, यानी लंबवत विस्थापन होगा टी ब्रैकेट एक घटा एक बटे ए म्यू बी। तो दोस्तों, हम हमारे आज के इस वीडियो को इसी विषय के साथ यहीं पर खत्म करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने अपवर्तन के नियम और स्नेल के नियम को समझा और देखा
किसी कांच के टुकड़े से होने वाले अपवर्तन को। जिसके बाद हमने समझा जल में किसी वस्तु की आभासी और वास्तविक गहराई को। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे किसी गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन को। तब तक के लिए गुड बाय। आशा करती हूँ आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 10वीं कक्षा के गणित में पढ़ा समांतर श्रेणी तथा 10वीं कक्षा के साइंस में पढ़ा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। साथ ही 12वीं कक्षा में हमने पढ़ा गणित में सांतत्य तथा अवकलनीयता और 12वीं कक्षा के फिजिक्स में हमने पढ़ा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। आइए देखते हैं कि कल हम क्या पढ़ेंगे। तो कल हम 10वीं कक्षा के सोशल साइंस में पढ़ेंगे काम आराम और जीवन। हम इसका तीसरा भाग देखेंगे कल। तथा 10वीं कक्षा के इंग्लिश में पढ़ेंगे मॉडल्स का पहला भाग। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा के केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स और 12वीं कक्षा के बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे वंशागति के आणविक आधार। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728585 पर संपर्क कर सकते हैं।